शिक्षा में सिर्फ ज्ञान नहीं होता, शिक्षा में एक और चीज मिली हुई होती है, वो ये है कि हम अपने बच्चों को डेवलप करते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स। आगे चल के वो जिंदगी में अच्छे इंसान बने, आगे चल के वो अपने पैरों पे खड़े रह सके, आगे चल के वो इज्जत की जिंदगी जी सके, आगे चल के वो दूसरों के बारे में ध्यान रखे, आगे चल के वो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके, आगे चल के वो किसी की मदद कर सके। दिस इज वॉट वी शुड डेवलप ऑफ आवर चिल्ड्रन, ये मेरी फीलिंग है। होता क्या है कि जब वो बच्चा 21 साल का होता है तो वो बड़ा सेल्फिश हो जाता है, और उसको सेल्फिश हमने बनाया, हमारे सिस्टम ने बनाया। वो अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि यही हमने उसको ट्रेन किया बचपन से। बचपन से हमने उसको यही ट्रेन किया कि बेटा तुम पहले आना, बाकी सब लोग को भूल जाओ। तो जब वो नौजवान बनता है तो उसका नजरिया सोसाइटी की तरफ यही हो जाता है कि भैया मुझे आगे बढ़ना है, बाकी सब बाय हुक और बाय क्रूक आई मस्ट सक्सीड, आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी एल्स। मेरा ये दिल चाहता है कि अगर हम जितने यहां पेरेंट्स हैं, एडल्ट्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो कल जाके पेरेंट्स बनेंगे, अगर हम अपने बच्चों को ये सीख दें जब वो छोटे हैं, जब वो घर आए हम उसको ये सवाल पूछें, ये नहीं पूछें कि मार्क्स कितने मिले, उसको ये पूछें कि बेटा आज तुमने किसकी मदद की, आज तुमने किसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाई, अगर हम उसको ये पूछें तो उसको ये लगेगा कि यार जरूरी ये है। मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा ये पूछते हैं, मार्क्स का तो कभी पूछते नहीं, वो मुझसे ये पूछते हैं कि भैया तुमने किसको हेल्प किया आज। तो हेल्प करना लोगों को, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये मेरे पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकली वो इस चीज के साथ बड़ा होगा, स्कूल वही जाएगा, पढ़ाई लिखाई वही करेगा, वो उसका नजरिया थोड़ा बदल जाएगा। जब वो बच्चा नौजवान बनेगा, 21 साल का होगा, और सारे बच्चे उस उम्र के जब 21 साल के होंगे, हमारी सोसाइटी चेंज हो जाएगी।